वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स। कैसा हैं आप सब? आई होप कि ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी तीज पूजा का एक ब्लॉग। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने अपने हाथों मेहंदी रचा ली है। मैंने खुद से ही मेहंदी लगाई है, मुझे जैसा भी आता है मैंने वो रचा ली है। और ये है मेरा फाइनल लुक, मेरा मेहंदी का कलर देखिए। और अब ये देखिए मैंने किस तरह से अपने पूजा की जो थाली होती है तैयार की है। उसमें जितनी भी हरिताली का व्रत पूजा जो है उसकी जितनी भी सामग्री लगती है सारा कुछ मैंने यहाँ पे अरेंज करके रख लिया है। बेलपत्र, फूल वगैरह जितने भी। तो ये जो पूजा है ये अपने पति की लंबी उम्र के लिए की जाती है। इस बार 9 सितंबर के दिन थी। तो और ये है मैं जो साड़ी पहनने वाली हूँ, ये साड़ी है। और ये मेरी चूनर है जो शादी में मैंने पहनी थी। तो मैं शादी में जो चूनर पहनी जाती है वो तीज पूजा में ज़रूर पहननी चाहिए। और जो सिंदूर का छिनहरा रहता है उसे भी ज़रूर रखना चाहिए मूर्ति के बगल में। तो ये देखिए साड़ी मेरी मम्मी ने लाकर दिया है, कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। और सारा कुछ जो मेकअप का सामान है सारा कुछ मैं भी पहनने वाली हूँ। तो देखिए मेरा फाइनल लुक है ये। मैं वीडियो नहीं बना पाई थी इस टाइम की, इसलिए मैंने फ़ोटो ही शेयर की है। और अब मैं ले चलती हूँ आप लोगों को आंगन में। मैं आंगन में ही करती हूँ, 5 साल हो चुके हैं मुझे करते हुए। तो मैंने आंगन में ही शुरू से मतलब 5 सालों से किया है। तो इस बार भी मैं अपने आंगन में ही करूँगी। और भी महिलाएँ आती हैं करने के लिए। तो ये देखिए मिट्टी का गौरा गणेश और पार्वती माता की मूर्ति बनाई जाती है। और उसके बाद कलश बिठाया जाता है। और सिंहोरा बगल में जैसे कि मैंने बताया रख कर मैं पूजा करती हूँ। तो मेरी शादी का जो सिंहोरा है सिंदूरदानी वो रखी हुई है। और अब मैं विधिवत पूजा कर रही हूँ। बाकी और भी जो महिलाएं पूजा करती हैं वो सभी आएंगी, एक एक करके सभी पूजा करेंगी। तो ये जो मैं आप देख रहे हैं जो यहाँ सिंहोरा है उसमें मैं पूजा में जो इस्तेमाल होता है सिंदूर, उस सिंदूर से मैं सिंहोरा को भरूँगी, क्योंकि सिंहोरा खाली नहीं रहना चाहिए। और इसी से मैं माता पार्वती की मांग भरूँगी, मतलब सिंदूर लगाऊँगी। उसके बाद फिर जो बिंदी आती है वो पूजा सामग्री में, वो बिंदी मैं एक लगाऊँगी पार्वती माता को और एक खुद भी लगाऊँगी। इस तरह से किया जाता है, इसे सुहाग लेना कहा जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए सारा कुछ मैंने अच्छे से पूजा कर लिया। उसके बाद फिर मैं चूनर ओढ़ करके अच्छे से पूजा कर रही हूँ। फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद होता है आरती, उसके बाद फिर झूमर जो नाच गाना होता है वो होता है। तो मेरे वीडियो में बने रहिए।